तो वेलकम दोस्तों, आप इसे दोस्तों टेक्स्ट में दोबारा से चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाई आज का हमारा वीडियो दोस्तों कोई टेक वीडियो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको भाई एक चीज़ बताऊंगा भाई, जो कि मैं अपनी लाइफ में अभी मेरी जब तक कोई लाइफ नहीं हुई है तो मैं कोई मोटिवेशन स्पीकर भी नहीं हूँ, पर दोस्तों मैंने जो कि एक चीज़ सीखी है लाइफ से दोस्तों वो चीज़ आपको दोस्तों मैं जरूर शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दो यार, देखो आपको कुछ भी करना आपकी लाइफ में, पर देखो हर मतलब सभी का दोस्तों एक चीज़ होती है, उनको वो चीज़ करनी होती है दोस्तों। वो आपको वो चीज़ है ना करनी चाहिए लाइफ के अंदर। मतलब कई लोग कहेंगे भाई गर्लफ्रेंड मानी चाहिए। हाँ भाई आपका मन है तो भाई आप वो चीज़ करिए, पर दोस्तों एक लिमिट तक करिए, उससे कोई कभी गलत मत करिए। वो भाई देखो गर्लफ्रेंड सब कुछ नहीं होती, कुछ लाइफ के डिसीजन भी दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं और उनसे थोड़ा सा अट्रैक्ट होइए ना कि लड़की से अट्रैक्ट होना भाई। ठीक है वो आपकी एज है तो देखो, अब आप भाई देखो किसी को दोस्तों कुछ चीज़ करनी हो लाइफ के अंदर तो आपको तो क्या एक दोस्तों मतलब पीरियड होता है कि यार इस टाइम यार हमको ये चीज़ मतलब उस टाइम दोस्तों वो चीज़ नहीं करोगे ना आप। मतलब जैसे कि भाई आपको किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अब आप मतलब स्पोर्ट्स दोस्तों आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला और भाई आप किसी को देखते हो मतलब सोशल मीडिया के ऊपर, देखो वो स्पोर्ट्स खेल रहा है भाई कितने अच्छे अच्छे चीज़ कर रहा है, तो दोस्तों एक दिल से चीज़ निकलती कि यार मैं ये चीज़ यार मेरे को करनी थी यार, पर भाई मैं रह गया अगर दोस्तों मैं थोड़ी देर दोस्तों इसमें और टिक जाता ना तो भाई मैं यहाँ पर जाकर दोस्तों कुछ अच्छा कर पाता, भाई मैं पक्का ना पक्का दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा चीज़ कर पाता और दोस्तों मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाता, भाई मैं अच्छे स्पोर्ट्स खेल पाता। तो आपको उस पर खुद पर विश्वास होता होगा कभी ना कभी, या स्पोर्ट्स हो या कुछ भी दोस्तों कुछ भी आप मैंने एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में कोई पढ़ाई के अंदर दोस्तों कुछ अलग फील्ड में जाना चाहते हो, पढ़ाई की भी अलग फील्ड में जाते हैं, पर दोस्तों कुछ प्रेशर ऊपर से ऐसा आता है जो कि आपके पेरेंट्स डालते होंगे या फिर आपके दोस्तों कोई रिश्तेदार डालते होंगे, तो भाई वो अच्छे अच्छे प्रेशर डाल देते हैं कि यार आपको ये चीज़ नहीं करनी, तो वो अपने एम को छोड़ कर दोस्तों कहीं और पर चलने लगता है, तो यार वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों तुम क्या आपको पता होता हूँ कब चलेगा, आपको पता तब चलेगा जब आप एक मतलब आप हर चीज़ लाइफ में अचीव कर लोगे, आप एक स्टैंड पे आ गए, आप मतलब स्टेबल हो गए। अब आप सोचोगे मैं यार देखो मेरी एज हो गई नहीं यार, मैं वो चीज़ कर लेता ना तो वो चीज़ अच्छी होती, ये नहीं कह रहा मैं आप उसको फुल दो उसमें इतना टाइम मतलब दो यार कि मतलब थोड़ा बहुत टाइम दो यार ये चीज़ भी हो जाए। मतलब आप किसी एक चीज़ की तैयारी करते हो, दूसरी आप सोच रहे ये चलो फैमिली कह रही है कुछ भी कह रही है, कई फैमिली होती है आज के टाइम पे उससे कई फैमिली होती है जो इस चीज़ प्रेशर करती है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, मतलब ये जॉब भी तैयार करनी चाहिए, भाई वो किसी और गवर्नमेंट जॉब भी तैयार कर रहा है, चाहे उनकी फैमिली कुछ और गवर्नमेंट जॉब की बोल रही है, पर दोस्तों उसका इंटरेस्ट किसी और गवर्नमेंट जॉब में, मतलब जैसे कि डिफेंस में है, कई लोग उसके फैमिली जाते भाई आपने थोड़ा सिविल सर्विस ज़्यादा जाना चाहिए कि मतलब ऑफिस की साइड आपको ना कि मतलब डिफेंस की तरफ जाके आपको थोड़ा सा खतरा हो लाइफ, पर दोस्तों वो लड़का जाता है भाई मेरे को डिफेंस की तरफ जाना है, तो मेरी लाइफ से कोई रेट नहीं है। पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको यार कोई चीज़ करनी चाहिए, देखो मेरा मेरे दोस्तों कुछ अलग चीज़ है, मेरे ये कोई नहीं है भाई, मेरे तो जो कि गवर्नमेंट जॉब फिक्स है, मतलब मैंने जो फिक्स कर रखी है मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब कौन फिक्स करेगा, मतलब जो मैंने फिक्स कर रखी है मन में भाई मैंने कुछ चीज़ लेनी भाई वो तो मेरी है, वो कभी और अगली वीडियो में बताऊँगा। पर एक कुछ देखो ऐसी चीज़ रह जाती है जिनको है ना आप करना चाहते हो लाइफ में, पर दोस्तों उसका टाइम टाइम जा चुका होता है, जैसे कि भाई मतलब कुछ भी ले लीजिए, तो मतलब आपको जो चीज़ करनी है लाइफ में वो चीज़ करिए, और भाई देखो टाइम जाने के बाद है ना आपको बहुत बुरा लगेगा कि यार मैं यहाँ पे था यार और यहाँ से तो फिर मैं वापस आया हूँ, तो अब दोस्तों मेरे को वहाँ पे पहुँचने में उतनी मेहनत लगती है, अब मैं थोड़ा सी मेहनत तो ओके दोस्तों वहाँ पर चले जाता ना तो दोस्तों आज मैं कहीं और होता। और दोस्तों आप थोड़ी सीढ़ी चढ़ गए तो आप ऊपर पहुँच गए, बस दोस्तों आपकी 10 से एक सीढ़ी और बची है, आप दोस्तों 100 सीढ़ी चढ़ मतलब 150 या 100 प्लस तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हो, वो भाई आप 10 सीढ़ी चढ़े दोस्तों आपको दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा सा हार्डवर्क करके दोस्तों उन पर और चढ़िए, आप दोस्तों फिर अपने मंजिल पर पहुँच जाएंगे। पर दोस्तों फिर आप हार मान के अब नीचे आ सकते हो पर ऊपर नहीं जा सकते, तो वो चीज़ गलत है। अब आपको ना टाइम जाने के बाद पता चलेगा कि अब मेरे को यार ये चीज़ करनी थी लाइफ के अंदर, यार ये चीज़ नहीं कर पाया, चाहे आप कितने भी आपको कितने पैसे मिले, पर दोस्तों जो कि आपके इंटरेस्ट होता है जिस चीज़ में, जैसे भाई मेरा यूट्यूब में ही नहीं है यूट्यूब, मतलब आप सोचे भाई मेरा ये तो पार्ट टाइम जॉब कर मतलब पार्ट टाइम कर रहा हूँ, जॉब तो है नहीं है कि लोगों की हेल्प हो जाए, पर दोस्तों मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, आपको कभी एक अच्छे लेवल पहुँचूँगा तो जब आपको एक रिवील करूँगा ये चीज़ कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में था, और वो दोस्तों नहीं हो पाई यार। मैंने बहुत कोशिश किया कि मतलब कोई लड़की से रिलेटेड नहीं कि लोग भाई मतलब नेगेटिव सोच जाएंगे, क्या देखो नेगेटिव का टाइम चल रहा है इस टाइम, सभी लोग डबल वर्ड डबल मीनिंग के उस तो वर्ड्स सभी दिमाग में चलते रहते हैं, इस दिमाग में चलते रहते हैं, तो लड़की का कोई पैटर्न नहीं है, पर यार देखो एक अच्छे जो कि लाइफ में कुछ करना होता है यार वो चीज़ के ऊपर बात हो रही है, तो यार वो चीज़ मैंने यार मिस कर दी, और भाई अब वो मेरे मन के मन में रह गया यार, अब वो उस टाइम का उस टाइम भी जा चुका है, और ठीक है यार अब आपको दोस्तों मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों आपकी एज कम है दोस्तों आप हर चीज़ करके देखिए, और आपको जिसमें इंटरेस्ट है ना आप उसमें लगे रहिए, मैं मानता हूँ दोस्तों
मतलब आप कर जाएंगे उसको लाइफ में बिल्कुल बहुत बड़ा कर जाएंगे। और मैंने कभी सोचा था मैं यूट्यूब पे आऊँगा भाई, कभी वीडियो वीडियो बनाऊँगा। मेरे को दोस्तों पहले मैं लोग वीडियो देखता था, फिर मैं पता नहीं था वीडियो पर बनाने आ जाऊँगा, पर मेरा ये मकसद नहीं था कि मेरा वीडियो बनाऊँगा, पर दोस्तों मेरा कुछ और ही एम था और उस एम को दोस्तों उस एम से मैं बिल्कुल जा चुका हूँ। और बहुत दुख होता है इस टाइम पर यार कि वो चीज़ मेरे को करनी थी यार, आज मैं वो चीज़ नहीं कर पाया और कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी लाइफ इधर उधर हो जाती है। और कोई नहीं यार, हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब कुछ भी हो। और लाइफ में ना सबको कोई चीज़ बड़ी सोच के चलनी चाहिए, मैं आपको ये बात बता दूँगा, क्योंकि है ना वो चीज़ आप कर सकते हो, कितनी भी हार्ड हो आप कर सकते हो, और है ना करनी चाहिए वो चीज़, मैं मानता हूँ। क्योंकि एक एज में दोस्तों आपको हर चीज़ करने की दोस्तों मतलब वो होता है, जब आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या आपके उस लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो या किसी से रिलेटेड हो, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और ठीक है गवर्नमेंट जॉब है, और नहीं थी यार गवर्नमेंट जॉब तो सभी को लेनी है, सभी को अच्छी लगती है गवर्नमेंट जॉब, और सभी को तो अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है, मेरी कुछ अलग पसंद है। पर उस गवर्नमेंट जॉब से उसमें पहले कोई अलग चीज़ आती थी, पर अब दोस्तों गवर्नमेंट जॉब ने जगह ले ली उसकी, तो ठीक है यार ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आपको मैं। और करिए यार कुछ ना कुछ तो करिए, और मेहनत करते रहिए हर चीज़ में, जो कि आप अपनी चीज़ आपने कुछ भी डिसाइड किया ना लाइफ के अंदर, चाहे कुछ तो एक मतलब आपको पॉलिटिकल में जाना है, आपको मतलब पॉलिटिक्स करनी है, तो आप पॉलिटिक्स में उसको पूरा ध्यान लगा दीजिए। आपको मेरा कोई मकसद नहीं है पॉलिटिक्स में जाना, कभी आप सोचे आप कई सौ लोग सोच रहे होंगे कि इस भाई की क्या क्या काम करना था इस भाई का, वो आपको कभी 1 लाख सब्सक्राइबर बाद या 1 मिलियन सब्सक्राइबर बाद रिवील करूँगा कि मैं दिल्ली करने मैं दोस्तों दिल्ली में पढ़ता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं करने क्या आया था, अभी कर क्या रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब की दोस्तों बिल्कुल तैयारी कर रहा हूँ, तो ठीक है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, कोई नहीं मिलेगी गवर्नमेंट जॉब यार, मेहनत करने मिलेगी। पर दोस्तों मैं जो कुछ चीज़ करने आया था यार, मैं उससे बिल्कुल पिछड़ चुका हूँ। कॉलेज दोस्तों मैं जा रहा हूँ, कॉलेज अभी लॉकडाउन दोस्तों बंद है, तो देखो कॉलेज में भी है ना, कॉलेज में जाता हूँ मतलब गवर्नमेंट की कॉम्पिटिशन दोस्तों तैयारी करता हूँ। पर देखो एक मेरी चीज़ दोस्तों मैं देखो यूट्यूब तो है यार, यूट्यूब तो कुछ नहीं, यूट्यूब तो बंद हो जाए तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देखो एक चीज़ थी यार लाइफ के अंदर जो कि लड़की नहीं थी, अब यार मेरे को मेरे नहीं पता मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, आपके अंदर भी आती होगी ये चीज़, तो लड़की नहीं है पर एक चीज़ एम था लाइफ के अंदर यार, ये चीज़ मेरे को करनी है, तो यार वो चीज़ वहाँ से छूट गई ना। अब मैं दोस्तों किसी और को देखता हूँ, तो मैं सोच रहा यार मैं बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता था, भाई मैं इतने आगे आ चुका था, थोड़ा सा और आगे जन्म यार मेरे क्या हो गया था, नहीं पता क्या क्या लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं। और यही था यार, आपको सब कुछ करना चाहिए और एक लाइफ मिली भाई, लोग हैं से कितने पैसे कमा ले पर उसको दिल से काम नहीं कर पाएगा ना, वो चीज़ एक अलग ही है। तो यही था यार, मैं जब कुछ नहीं बोलूँगा, और कई लोग कहेंगे तो कैसा पागल है यार, मतलब यार आप अपने लाइफ के एम को भी तो थोड़ा इम्पोर्टेंट दीजिए कि यार आपके कुछ आप भी कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, किसके लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। और मेरा एम दोस्तों कुछ कुछ लोग समझ गए होंगे, और कुछ परसेंट लोग समझेंगे, कुछ परसेंट लोग जो कि माइनस परसेंट में दोस्तों नहीं समझ पाएंगे। तो आप कमेंट करिए आपका क्या सोचना है इस बारे में, मेरा सोचना ये है आपका जो मन करे ना वो करिए लाइफ का, पर किसी कोई बुरी चीज़ मत करिए, कोई गलत चीज़ कर रहे हैं आप, कुछ अलग ही सिस्टम कर रहे हैं तो वो सिस्टम मत करिए। हाँ एक अच्छा गोल डिसाइड करके चलिए, वो है देखो गोल कंप्लीट करने की दोस्तों पूरी पूरी कोशिश करिए, पूरी पूरी कोशिश करिए। पर दोस्तों देखो हर चीज़ के लिए हर इंसान नहीं बना हुआ होता, और यही था यार मैं कोई ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं दे रहा आपको, पर अपना दोस्तों अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मेरी, जो कि लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके बराबर ही हूँ मैं, 20 साल की उम्र है मेरी। पर ठीक है यार, और यही था वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करेगा, लाइक जरूर करके जाएगा यार दोस्तों, मैं लाइक बोलने से आपकी मर्जी है, लाइक करेगा ना करेगा, कमेंट दोस्तों कमेंट जरूर करेगा, लाइक ना करेगा तो कमेंट करेगा, और बताइएगा यार आपका क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में आपके बारे में, यार आप क्या करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, और आपके चल क्या रहा है, और आप उससे खुश हैं आप उस चीज़ से कि मतलब यार ठीक है यार ये चलता रहेगा लाइफ टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आप ये मान लीजिए मैं गवर्नमेंट जॉब लेता हूँ, और ठीक है मेरे उसमें सैलरी 35,000 40,000 रुपीज़ है। अब दोस्तों मेरे को उसमें मतलब इंटरेस्ट है उसमें, जॉब फिक्स मैंने करा के दोस्तों, अगर दोस्तों मैंने जॉब फिक्स नहीं करी होती, मतलब कि मैंने सोच रखा है, मेरा गोल फिक्स कर रखा है, जॉब फिक्स नहीं कर रखी, परफेक्ट बढ़िया होगा गोल फिक्स कर रखा है, अगर दोस्तों मैं कोई और जॉब दे दिया यार मैं उसको मतलब मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। अगर दोस्तों कोई भी जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब कहते हैं सब कर सकते हैं, ठीक है यार कर सकते हैं, इंटरेस्ट तो बन जाता है जब आप एक चीज़ को रेगुलर करते हो ना, जैसे कि आप किसी भी
किसी भी स्टाफ में लग जाइए, किसी भी उसमें लग जाइए, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में भी, दोस्तों आपको उसकी आदत पड़ जाती है कि हाँ ठीक है। पर दोस्तों एक एम भी होता है, एक एम भी चीज़ होती है यार, उसको करना होता है लाइफ के अंदर। और मैं तो कमिट कर नहीं पाया यार, और कर सकता था मैं उसको, पर अब कई लोग कहेंगे यार कि यार क्या क्या एम था, तो वो आपको नहीं बताऊंगा अभी, मैं 1 लाख सब्सक्राइबर बाद बताऊंगा, बहुत बड़ी कहानी है, तो एक अलग ही स्टोरी लेके आऊँगा उसके ऊपर। अभी एक आप 1 लाख सब्सक्राइबर करवाइए, अभी 12,500 है, आपको वेट करना पड़ सकता है 2 साल तक, तो आपको वो कभी और बताऊंगा। तो बस बेटे से वीडियो सिले, वीडियो लाइक करेगा, और वीडियो का टाइमिंग हो गया 10:30, तो नहीं था यार, बाय, टेक केयर। कमेंट में राय छोड़ के जरूर जाइएगा, आपकी राय सुननी है मेरे को कि आपका क्या सोच रहे हैं और आप क्या कहेंगे इसके बारे में। पढ़ाई दोस्तों सभी को करनी है, बात मानो, पर दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ लेके चलनी है। मैंने दोस्तों यूट्यूब किया, मैं कोई यूट्यूब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बताऊँ ना, मैं टेक में इंटरेस्ट है, पर दोस्तों यूट्यूब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इतना कुछ इसको वो फुल टाइम नहीं कर रहा, पार्ट टाइम कभी कर ले, पर रेगुलर आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये बात ठीक है, पर ठीक है, समझ गया आप, तो बाय, टेक केयर।